हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिका कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 30 जून है, आज इस नए दिन में आपका स्वागत है, इस नए जर्नी में आपका स्वागत है। तो चलिए वॉकिंग पे चलते हैं, कुछ नए रेसिपीज बनाएंगे और इवनिंग में फिर से मेरी एक फ्रेंड से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो गेस्ट के रूप में आने वाली है। उसकी लाइफ की जर्नी के बारे में बातें करेंगे और थोड़े से मोटिवेट होंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये वार्म वाटर विद लेमन है और ये फायरमेंट्स है जिसे मैं वॉकिंग करते करते खाऊंगी। तो चलिए इसे पी के वॉकिंग पे चलते हैं। तो गाइज मैं रिटर्न आ गई हूँ और मैंने मेरे 1 आवर का मेरा पूरा ये कंप्लीट किया है वॉकिंग। और रिटर्न आने के बाद मैं ये ब्लैक टी ले रही हूँ, गुड़ की। मुझे बहुत मन हो रहा था कि आज काला चाय पिया जाए, अब चाय पिया जाए, चाय की इच्छा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लैक टी पी लिया जाए। तो दैट्स व्हाई मैंने ये ब्लैक टी लिया है। इसमें गुड़ डाला है, थोड़ा अदरक डाला है। ये बहुत मतलब वो जो चाय की जो तलब है ना वो मैं इससे निकाल लेती हूँ और सच में बहुत अच्छा भी रहता है। और बोलते हैं कि मतलब गुड़ की चाय जो ब्लैक टी रहती है पीनी बहुत ही अधिक अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो कभी कभार हम ये कर सकते हैं, अगर आप डेली नहीं भी चाहे तो ऐसे बीच बीच में कर सकते हो। एक्चुअली ये बहुत अच्छी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला है, लेमन भी मैंने एक दो ड्रॉप्स स्पिच किया है। तो दैट्स व्हाई ना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। चलिए इसे पीते हैं। और नेक्स्ट होगा फ्रूट्स। तो क्या अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही ले रही, मैंने आपको बताया ये। अभी जो लंच का है वो आपको रेसिपी बताऊंगी। लंच में मैं आज ओट्स का उपमा बना रही हूँ। ओट्स का उपमा बनाने के लिए मैंने ये 1/2 कप ओट्स लिया है। इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो गया, अब इसे मैं निकाल लूंगी। कि मसाले के लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची काट के ली है, थोड़े से करी लीव्स लिए हैं, 1 ओनियन बारीक काटा है और 1 टमाटर बारीक काटा है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, 1 टीस्पून राई और जीरा डाल रही हूँ, ये करी लीव्स और ये मिर्ची डाल देना है। इसी में थोड़े से पीनट्स डाल रही हूँ मैं। अब ओनियन डाल देंगे। ओनियन के थोड़े फ्राई होने के बाद ये टमाटर डाल देना है। फिर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। वीडियो लेने का भूल गई थी डालने के समय। अब ये 1/2 कप पानी डाल रही हूँ मैं। जितना हमने ओट्स लिया उतना ही पानी डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। अब ये ओट्स जो है डाल देना है। पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, 1/4 से भी थोड़ा कम, आधा मतलब 2 टेबल स्पून बोल सकते हैं, 2 टू 3 टेबल स्पून। अब इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो ये उपमा हमारा बनके रेडी है। ओट्स शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। यह माना जाता है कि ओट्स खाने से कैंसर की समस्या से दूर रहा जा सकता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। वह वेट लॉस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू राधिकास कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। सो गाइज इट्स टी टाइम, चलिए चाय पीते हैं। तो जो मेरे सीरीज चालू है जिसमें मैं अपने अलग अलग फ्रेंड से मिलवा रही हूँ आपको, तो आज फिर से मैं एक अपने न्यू फ्रेंड से मिलवा रही हूँ। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी है, उसकी बातें आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा सुनते रह जाएंगे। बहुत ही एजुकेटेड भी है, शी इज़ ए टीचर। मैंने 2-3 मेरे वीडियोज़ में आपको उससे मिलवाया ही था, नमिता सिंह, ट्री हाउस में एक टीचर है वो। और वो अपने घर को देखते देखते अपने बाहर के वर्क को अपने बहुत अच्छी तरह से संभालती है और उसके साथ में खुद को भी उतने ही अच्छे से सवारती है, सजाती है, अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा है। और जब उनकी बातें आप सुन मतलब वो बोलती है तो इतना अधिक अच्छा लगता है, इतना अधिक प्यारा लगता है वो। तो आप उनसे मिलोगे उसके बाद ही आपको समझेगा। मैं तो बहुत ही मतलब दिल से खुश हूँ उससे मिलके। जस्ट अभी ये सब मेरे जितने फ्रेंड दिखा रही हूँ जस्ट अभी न्यू बने मेरे, और बहुत मतलब जो गॉड गिफ्ट जैसे मुझे मिल गए हैं, बहुत ही अच्छे सारे के सारे, बहुत ही मीठे, बहुत ही प्यारे, और मतलब दिल खुश हो जाता है उनके साथ मिलने के साथ में, उनके साथ बातें करने के बाद में। तो चलिए आज मैं आपसे उसी में से एक जो नमिता है उनसे मिलवाती हूँ, उससे हम 2-4 बातें करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो अपने घर को, घर के साथ में, अपने वर्क के साथ में सब कैसे मेंटेन करती है। साथ में उनके बच्चे बड़े हैं तो उनको देखना और उसके बाद में अपने खुद की फिटनेस को देखना, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए आइए मिलते हैं इससे। हाँ
हाय राधिका, हाय, वेलकम 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 नमिता, वेलकम। बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी, वेल एजुकेटेड, लेकिन एकदम डाउन टू अर्थ है। और उसकी बातें मैं तो सुनो तो सुनते ही रह जाओ। इतना अधिक अच्छा बोलती है, इतना अधिक मीठा बोलती है, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से समझाती है किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को अगर हमको उससे पूछना है तो बहुत अच्छे से सॉल्व करती है। तो और वेल मेंटेन है, देखिए खुद को कितने अधिक अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इसके दो बच्चे बड़े हैं लेकिन बिल्कुल लग रही है नहीं, मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल अभी जितने हैं ना, सब वैसे ही है। अपने आप को इतने सुंदर तरीके से उन्होंने, जैसे गुलदस्ते में फूल को कैसे संवार के रखते हैं, वैसे वैसे खुद को संवारा है, सजाया है उन्होंने अपने वर्क को देखने के बाद में, घर को देखने के बाद में। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखती है। तो नमिता, अपने बारे में थोड़ा बता। हाय हाय एवरीवन, थैंक यू राधिका, थैंक यू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतनी अच्छे से दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका वो जो चैनल है ना, हम लोग हमेशा देखते हैं, मेरे स्कूल की टीचर्स देखती हैं, सब लोग देखती हैं, इतना मतलब सब लोग इंस्पायर्ड हैं आपके सीरीज से। मेरे घर के, मेरी मम्मी तक देखती हैं और वो बोलती हैं वाओ कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फ्रेंड है तुम्हारी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अपने लाइफ को मेंटेन कैसे करना होता है। मैं सोचती हूँ, मेरे विचार से मैं इन तीन चीजों को बहुत ध्यान देती हूँ। एक्चुअली क्या है, तीन चीजें हैं मेरे पास जो मैं ध्यान रखती हूँ। ईट वेल, खाना अच्छे से खाइए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है। और सेकेंड वन, डू एक्सरसाइज एवरी डे, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज यू कैन डू एवरी डे। यू गिव योर प्रीसियस 10 to 5 minutes एवरी डे फॉर यू ओनली। एंड थर्ड वन, तीसरा मैं खुद से अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, राइज अर्ली। वो बहुत आपके फेस पे, आपके हैप्पीनेस को पूरा मतलब निखर के आता है आपके ऊपर। तो मैं इन तीन चीजों पे बहुत ध्यान रखती हूँ, यही है मेरे हैप्पीनेस का राज और यही है मेरे बैलेंस। जैसे ही मैं बैलेंस करती हूँ अपना बाहर का और घर का। नाउ दीज डेज अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, ऑनलाइन सभी क्लासेस चल रही है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। एक बार काम खत्म करके आप घर चले, स्कूल चले जाते हैं, वर्क पे लग जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर का आपको टेंशन नहीं रहता है। बट यहाँ पे घर में दोनों बैलेंस करना है, बेटे का भी अभी ऑनलाइन चल रहा है, हस्बैंड भी ऑनलाइन पे है, तो सबको टाइम पे नाश्ता खाना सब देना होता है, और आपका वर्क भी है, तो सबको बैलेंस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एक ही चीज है जो हमें ऐसा सोचते हैं हम लोग, कांट मत सोचो आप कि मैं नहीं कर सकती, डोंट थिंक इन माइंड, डोंट कीप इन माइंड, कांट कांट डू, डोंट थिंक। आपको उसको ऐसे एक स्टेप आगे बढ़िए और बोलिए कांट येट, मीन्स अभी नहीं कर सकती हूँ, आई विल डू बट आफ्टर सम टाइम, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल डू, आई कैन डू। सो दिस इज माई, क्या बोलेंगे इसको, राज। और मैं काफी खुश हूँ, और अपने इन दोस्तों के साथ, राधिका से तो मेरे को मैं बता ही नहीं सकती कितना कुछ मैंने सीखा है। मेरे घर के सब लोग इंस्पायर्ड हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स इनके हर वीडियो को, हर ब्लॉग को देखते हैं। आई एम वेरी इंस्पायर्ड एक्चुअली। थैंक यू राधिका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नमिता, बहुत अच्छा बात। तो गाइस हो
होप्स आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और नमिता की जो जर्नी है वो पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारा, मैंने कहा ना बहुत प्यारा बोलती है, तो उसकी बातें तो सुनते रहो तो सुनते ही रह जाओगे। लेकिन मैंने थोड़ा इशारा कर दिया स्टॉप कर दे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए, नहीं तो बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल बातें करती है। मतलब एक टीचर है तो जैसे टीचिंग का जो रहता है ना वैसा सब इनमें गुण है, तो वो बहुत अच्छी बातें करती है। फिर कभी मैं और बुलाऊंगी इनको, उनकी बातें सुनाऊंगी आपसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑलवेज आई एम डूइंग, यू डू ऑल्सो। थैंक यू। तो कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, बाय।